इतने लोगो जो है, जैसे स्टार प्लस का लोगो है, गूगल क्रोम का लोगो है, गूगल का लोगो है, इस तरह हमारे पास एक लोगो है गूगल ड्राइव का। गूगल ड्राइव के अलावा देखें अगर तो एक हमारे पास यहाँ पे 3D लोगो बना हुआ है। मैं ये चारों लोगो आपको दिखा देता हूँ पास करके, ये आप देख सकते हैं, ये लोगो है। ये लोगो हमने बनाना, डिजाइन करना सीखना है कि ये कैसे करके डिजाइन करने हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि एक न्यू पेज ले लेना है, यहाँ पे फंस गए, न्यू पेज ले लेते हैं या यहाँ से ही आप इसको छोटा कर लें और एक साइड पे मैं इनको रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को साथ दिखाता जाऊँ कि मैंने कौन सा लोगो बनाना है, किस तरह से बनाना है। उसके बाद आपने कुछ यूँ करना है कि आपने यहाँ पे बस करें, आप बनाना चाह रहे हो स्टार प्लस का लोगो, स्टार प्लस का लोगो आपने बनाना है। स्टार प्लस का लोगो जब आप बनाएंगे तो स्टार प्लस का लोगो बनाने के लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल ले लेना है। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया, अब देखिए मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल लेने के बाद आपने यहाँ पे देखें तो ये चार पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। इन चार पॉइंट्स पे आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इन चार पॉइंट्स पे यहाँ पे जो पहला यहाँ पे लिखा 0 पिक्सल, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 पिक्सल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 0 पिक्सल, यानी चारों जगहों पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको 0 पिक्सल नजर आ रहे हैं। आपने ये काम करना है कि जैसे 0 पिक्सल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने 0.2, 0.1, 0. कुछ भी आप यहाँ पे लिख लें, मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 लिखूंगा तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे वो हुआ है। तो अगर हम मैं यहाँ पे 300 लिख लूँ या 200 लिख लूँ तो पिक्सल यहाँ पे 200 पिक्सल पे ये बहुत ज्यादा क्लोज हो गया, तो यहाँ पे हमने 200 पिक्सल तक क्लोज नहीं करना था, हमने यहाँ पे 10 तक क्लोज करना है। बस करें 10 किया तो थोड़ा सा यहाँ पे हुआ, 20 करेंगे तो थोड़ा सा मजीद हो जाएगा, यहाँ पे हम देखें 20 कर रहे हैं, यहाँ से हो रहा है। तो अगर हम इसको सिफर कर देते हैं, यहाँ पे मैं सिफर कर देता हूँ और यहाँ पे आके 20 करता हूँ तो ये कटआउट बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये कटआउट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कटआउट बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 20 पे जाके ओके करता हूँ, यहाँ पे 20 का आ गया और यहाँ पे भी मैं जाके 20 का करता हूँ ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एक ही सिरे से किया मैंने, एक ही सिरे से किया। अब फिर क्या करना है आपने, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है ऐसे करके। अब मैं स्टार प्लस का लोगो बनाना चाह रहा हूँ, कौन सा स्टार प्लस का लोगो, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये है स्टार प्लस का लोगो। अब मैंने थोड़ा सा इसको सेट करना है, कैसे करके मैं सेट करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। यहाँ पे आपने ये काम करना है कि ये आपने लेना है नाइफ टूल, नाइफ टूल लिया आपने, नाइफ टूल लेना है और नाइफ टूल लेके आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और साथ ही आपने यहाँ से इस नाइफ टूल को लेके आना है यहाँ तक, जैसे भी यहाँ तक लेके आते हैं। अभी देखिए मेरा कटआउट तो बना है लेकिन वो सही से नहीं बन सका, मैं दोबारा से इसको ले लेता हूँ नाइफ टूल को, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से हम करेंगे यहाँ पे क्लिक, हमारा कटआउट बन गया है। आप देखें तो यहाँ पे भी कटआउट बन गया और यहाँ पे भी। इसमें हमने कलर कर लेना है ये ब्लू और यहाँ पे हमने कोई कलर नहीं करना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब हमने इसके बीच जो स्टार है वो लेना है, स्टार हम कैसे लेंगे, एक स्टार आपने यहाँ से ड्रा करना है, ये मैं स्टार ड्रा कर रहा हूँ और कंट्रोल का बटन दबा के आपने स्टार्ट ड्रा करना है। स्टार्ट ड्रा किया, स्टार्ट ड्रा करने के बाद आपने इसको कर लेना है कंट्रोल क्यू। आपने कंट्रोल क्यू क्यों करना है, कंट्रोल क्यू इसलिए करना है, ये देखिए मैं इसको पास करके आपको दिखाता हूँ। ये कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये आपकी ये जो शेप है ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगी। कन्वर्ट टू कर्व जब होती है तो इसको आप कहीं पे भी, ये देखिए मैं पहले क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऐड नहीं कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कोई ऐड का बटन नहीं आ रहा है, ऐड का बटन जो है वो हाईलाइट नहीं है। तो जैसे मैं इसको कंट्रोल क्यू करता हूँ, मैं पहले कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, कंट्रोल क्यू करने के बाद आपने इसके बीच क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, जाके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे ऐड का बटन जो हाईलाइट हो गया है, यहाँ पे आप हाईलाइट करने इस बटन को, उसके बाद आप इसको खींच के यहाँ पे लेके जाएंगे। यहाँ पे लेके जाने के बाद आपने ये जो इसका सेंटर होता है इसके सेंटर में जाके ऐसे क्लिक करना है और क्लिक करके आपने ऐड नहीं करना, अब की बार आपने टू कर्व करना है, टू कर्व करना है, टू कर्व करके आप इसको यहाँ पे लेके जाए, इसको भी आपने टू कर्व करके थोड़ा सा ऐसे करके लेके जाना है। जब ऐसे करके लेके जाएंगे ये चीज आपके सामने डिजाइन होगी, आपने इसमें कलर कर देना है रेड, रेड कलर करने के बाद आपने इसको कर देना है छोटा, F4 का बटन प्रेस करते हैं बिल्कुल सामने आ जाता है, और इसको छोटा करने के बाद आपने यहाँ पे मजीद छोटा करके यहाँ पे लेके जाना है। अब हमारे पास कुछ ना कुछ जो लोगो है स्टार प्लस का वो तैयार हो चुका है, मैं थोड़ा सा पास करके वो दिखाता हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्टार प्लस, तो हमारे पास ये टेक्स्ट टूल होता है, टेक्स्ट टूल आपने यूज करना है, टेक्स्ट टूल के साथ यहाँ पे आपने जाकर लिखना है स्टार STAR स्टार और यहाँ पे नीचे जाकर लिखना है प्लस, मैं लिखा स्टार प्लस। स्टार प्लस लिखने के बाद इस स्टार प्लस को मैं यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने के बाद और मजीद छोटा करता हूँ, छोटा करते जाना है, छोटा करते जाना है, और यहाँ पे जब इसके बराबर हो जाए तो आपने यहाँ पे जाके करना है बोल्ड, बोल्ड करता हूँ, थोड़ा सा मोटा हो जाता है बोल्ड से, उसके बाद आपने यहाँ पे जाके जो इसके अंदर व्हाइट कलर है वो व्हाइट कलर कर देना है। आपके सामने एक लोगो डिजाइन हो चुका है जो मैंने थंबनेल के ऊपर लगाया हुआ था, आप लोगों ने देखा थंबनेल पे मैंने यहाँ पे स्टार प्लस का लोगो लगाया हुआ था, तो ये स्टार प्लस का लोगो आप लोगों को मैंने बनाना सिखा दिया। अब हम चलते हैं गूगल क्रोम का लोगो बनाना है, तो ये स्टार प्लस का लोगो मैं एक साइड पे रख लेता हूँ छोटा करके, यहाँ पे रख लेता हूँ,
तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लोगो बनाना है कौन सा, ये जो लोगो है गूगल क्रोम का। अब गूगल क्रोम का लोगो बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूंगा एक ऐसे करके सर्कल। इस सर्कल के अंदर हमने एक और सर्कल ड्रा करना है, शिफ्ट का बटन दबा के कर रहा हूँ, फिर आपने एक सर्कल ड्रा करना है इतना ऐसे करके। आपने तीन ऐसे करके सर्कल ड्रा कर लेने। सर्कल ड्रा करने के बाद हमने इसके अंदर कलर्स करने, लेकिन कलर्स करने से पहले हमें यहाँ पे एक फ्री हैंड टूल होता है, फ्री हैंड टूल से आपने क्या करना होता है, यहाँ से आपने इस फ्री हैंड टूल को पकड़ना है, एज करना है, यहाँ पे एज हो रहा है, यहाँ से आप कहीं पे भी, यहाँ पे फंस गए, मैं लेके जाता हूँ, यहाँ पे आपने लेके चले जाना है। इसी तरह यहाँ से जब एज हो, यहाँ से इस एज से आपने पकड़ के इस एज पे लेके आ जाना है, और इसी तरह आपने इस जगह से पकड़ के इस एज से आपने यहाँ पे लेके आ जाना है। कुछ इस तरह का सीन आपने बना लिया। जब आपके सामने कुछ इस तरह का सीन बन जाए, उसके बाद आपने कुछ यूँ करना है कि यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपके पास आ रहा है शेप फिल टूल। यहाँ पे आपके पास, अगर आपके पास, मेरे पास लैपटॉप है इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे नीचे छोटा सा बटन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे टूल्स आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एक ही टूल को यूज करना है। कौन सा? स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल से आपने इसके अंदर स्मार्ट फिल करना है, इसके अंदर भी स्मार्ट फिल करना है, इसके अंदर भी आपने स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल से ये होता है कि अलग शेप बन जाती है। अगर मैं शेप निकाल के आपको दिखाऊं तो ये एक शेप ड्रा हो गई, जबकि ये पहले शेप नहीं थी। अब हमने इसके अंदर कलर्स करने हैं, तो यहाँ पे मैं जाके करता हूँ रेड कलर, यहाँ पे जाके मैं करता हूँ ब्लू कलर, सॉरी ग्रीन कलर, और यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू, हमने किया ग्रीन कलर, और यहाँ पे मैं जाके करता हूँ येलो कलर। येलो कलर किया और इसके अंदर हमने करना है जाके ब्लू कलर। जैसे हमने ब्लू कलर किया, ये चीज़ हमारे सामने बनी और एक हमारे पास जो लोगो है वो क्रिएट हो चुका है, और इसकी जो आउटलाइन है उसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाके करूंगा, यहाँ पे जाके कर दूंगा राइट क्लिक। जैसे मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करता हूँ तो देखें एक हमारे पास गूगल क्रोम का जो लोगो है वो हमारे पास तैयार हो जाता है। इसको भी कंट्रोल जी करके हम एक साइड पे रख लेते हैं, क्योंकि मैंने थंबनेल के ऊपर, आप लोगों को मैंने जो थंबनेल सिखाया यहाँ पे, थंबनेल के ऊपर जो आपने लोगो देखा था वो ये लोगो देखा था, ये भी हमने बनाना आपको सिखा दिया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है गूगल, गूगल का लोगो, जो ऑफिशियल गूगल का लोगो होता है वो हमने बनाना है। ये गूगल क्रोम का था और ये गूगल का हमने अब बनाना सीखना है। तो गूगल का लोगो बनाने के लिए भी हम ये सर्कल का ही यूज करते हैं। वैसे मैं आपको दिखाऊं तो मैंने जूम ज्यादा किया, अगर मैं जूम आउट करके 100% तक कर देता हूँ, या यहाँ पे मैं जूम आउट मजीद कर देता हूँ, या बहुत ज्यादा जूम आउट करता हूँ मैं यहाँ पे, ये जूम आउट करके मैं साइड पे रख लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे करके, और ये देखें तो थोड़ी सी इसकी आपको लुक ज्यादा अच्छी लग रही होगी यहाँ पे मैंने, क्योंकि इसकी जूमिंग को बहुत कम किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाके ड्रा करता हूँ एक लोगो, ये मैंने ड्रा करना है। आप कौन सा लोगो? गूगल का। अभी आपने ये करना है कि इसको, इसके अंदर आपने एक और ड्रा करवाना है ऐसे करके, जितना आप मोटा रखना चाह रहे हो जी को इतना आप इसको ड्रा करवा दें। ड्रा करवाने के बाद आपने इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना है, यहाँ से आपने गाइडलाइन लेनी है, इस गाइडलाइन को आप यहाँ पे लेके आए। जब यहाँ पे क्वार्टर आ जाए, यहाँ पे इसका मतलब है कि क्वार्टर पे इसका सेंटर आ जाता है, तो आपने सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल सही से सेंटर पॉइंट पे जाना है, और यहाँ पे आपने ड्रा करना है एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को जितना मर्जी आप बाहर खींच के ले आपकी मर्जी होती है। यहाँ पे मैं लेके आता हूँ और ये भी इसका सेंटर भी देखें बिल्कुल इस लाइन पे हमने ड्रा किया। अब हमें इस लाइन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डिलीट कर देता हूँ इस लाइन को। ये चीज आपके सामने बनी है। जब ये चीज आपके सामने बन जाए, आपने कुछ यूं करना है कि आपने यहाँ पे लेना है एक फ्री हैंड टूल। अब इस फ्री हैंड टूल का यहाँ से आप लेंगे यहाँ तक, और इसको आपने शिफ्ट के बटन के साथ आपने इसको क्या करना है, खींचना है। जैसे ही मैं शिफ्ट के बटन के साथ इसको खींचूंगा तो दोनों साइडों से बड़ा होगा, लेकिन दोनों साइडों से बड़ा हो रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये लाइन यहाँ पे लग रही है, ये लग रही है। इस तरह से आपने फिर से फ्री हैंड टूल लेना है, यहाँ से आप यहाँ तक ले लें, या जहां तक भी आप लेना चाहते हैं, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लेके आपने शिफ्ट के साथ आपने दबाना है ये लाइन ऊपर की तरफ। जैसे आप ऊपर की तरफ लाइन खींच के लेके जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपके सामने ये शेप आ जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें तो यहाँ पे फिर मैं शिफ्ट के साथ थोड़ा सा मजीद खींचता हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस तरह की शेप मुझे चाहिए थी। जब ये चीज हमारे सामने बन गई है तो उसके बाद हमने यहाँ लेना है, यहाँ पे जैसे हमने नाइफ टूल लिया था, नाइफ टूल के नीचे अगर देखेंगे तो हमारे पास वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल होगा। अब सेगमेंट को ये डिलीट करेगा, बाहर वाला एंगल डिलीट कर रहा है, यहाँ से भी बाहर वाला एंगल डिलीट कर रहा है, ये भी एंगल हमने डिलीट कर दिया बाहर वाला, यहाँ से भी हमने बाहर वाला डिलीट कर देना, ये देखें मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। इसी तरह आपने यहाँ से भी इसको भी डिलीट कर लेना है, ये देखें तो मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पास करके आपको दिखाता हूँ। पास किया और इसको मैंने डिलीट करना है, अब इसको डिलीट कर दिया मैंने, फिर से मैंने F4 का बटन दबाया ताकि मेरे सामने आ जाए, और इसके भी ये पॉइंट भी मैंने डिलीट कर देना है और ये पॉइंट भी मैंने डिलीट
डिलीट कर देना है, कुछ ये वाला सीन बनाया और ये दो पॉइंट्स भी डिलीट कर दूंगा। अब देखें तो हमारे पास वो जी बन रहा है बिल्कुल, जो हमने बनाना था बिल्कुल वो वाला जी बन रहा है। और यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा टफ होता है आपके लिए काटना, तो इसको आपने बिल्कुल पास कर लेना है, ऐसे पास करके आपने लाइन सेगमेंट डिलीट टूल लेके जाना है और इसको ऐसे करके कट कर देना है। उसके बाद फिर से आप F4 का बटन प्रेस करें तो आपके सामने वो जी कुछ बना हुआ आ ही जाता है। उसके बाद आपने ये काम करना है कि फिर से आपने लेना है शेफिल टूल लिया, शेपिल टूल के साथ आपने इसके अंदर शेप करनी है, इसके अंदर शेप ड्रा करनी है, इसके अंदर भी शेप ड्रा करनी है और इसके अंदर भी आपने शेप ड्रा कर लेनी है। जब आप इसके अंदर शेप ड्रा कर लेते हैं उसके बाद आपने इसको कर लेना है यहाँ से छोटा, देखिए मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ। उसके बाद हमने इसके अंदर कलर्स करने हैं, तो कलर्स कैसे करेंगे, यहाँ पे जो कलर है वही वाले हमने यहाँ पे करने हैं। अब यहाँ पे जाएंगे तो हम रेड कलर कर देते हैं, यहाँ पे जाके हम कर देते हैं ये येलो कलर था, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रीन कलर, और यहाँ पे जाके हम कर दे देंगे सियान कलर। तो ये हमने चार कलर इसके अंदर किए, हमारे सामने यही चार कलर्स होते हैं किसके, गूगल गूगल के लोगो के अंदर। तो यहाँ पे जाके इसकी आउटलाइन को भी खत्म करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे आप राइट क्लिक किया तो हमारे पास ये गूगल का लोगो जो है वो कंप्लीट तौर पे तैयार हो गया है। आपने इस गूगल के लोगो को कर लेना है यहाँ से छोटा छोटा करके, आप साइड पे रख सकते हैं कहीं पे भी, यहाँ पे मैं साइड पे रख रहा हूँ। साइड पे रखने के बाद F4 का बटन प्रेस करता हूँ, ये बिल्कुल देखें यहाँ पे आ गया। और उसके बाद इसको आपने ये करना है कि इसको आपने ग्रुप कर लेना है, इस पूरे को आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी पर ग्रुप। अभी देखें तो हमारे पास ये ग्रुप भी हो गया और एक ये चार लोगों तीन लोगों हमने क्रिएट कर लिए हैं। थोड़ा सा टफ होता है 3D लोगो बनाना, तो मैं आपको 3D लोगो बना के बताता हूँ कि कैसे करके आपने बनाना है। मैं इनको साइड में कर देता हूँ चारों को, तीनों को। अब ये 3D लोगो हम बनाएंगे जो स्टार का 3D लोगो है। स्टार का 3D लोगो कैसे बनाया जाता है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि स्टार का 3D लोगो हमने कैसे करके बनाना है। स्टार का 3D लोगो बनाने के लिए हम यहाँ पे ये करेंगे, एक स्टार लेंगे, स्टार लेना है। स्टार लेने के बाद आपने कुछ यूँ करना है कि यहाँ पे एक लेना है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल से ये होता है कि एक एक नोड, ये जो नोड आ रहा है ये मैं आपको बता दूँ कि नोड क्यों आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ व्यू पे जाते हैं, स्नैप टू पे जाते हैं, स्नैप टू पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाके अगर आप क्लिक कर देते हैं कि यहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो ये स्नैप टू या यहाँ पे कोई भी जो क्वार्टर है वो नहीं आ रहा है, तो हम न नोड आ रहा है यहाँ पे, न मिड पॉइंट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपने व्यू पे जाना है, व्यू पे जाने के बाद आपने स्नैप टू पे जाना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ पे हम मिला रहे हैं, नोड बन रहा है, नोट बन रहा है। उसके बाद हमने ये करना है कि इसको ऐसे करके बड़ा कर देना है। देखें मैं बड़ा कर रहा हूं, इस लाइन को आपने मजीद बड़ा कर लेना है, यानी कि काफी बड़ी लाइन आपने ले लेनी है। मैं थोड़ा सा मजीद बड़ा कर रहा हूँ और F4 का बटन दबा के आपके सामने ये लाइन ले आता हूँ। इन पॉइंट्स को मैं, ये जो हमारे पास है इनको मैं फिर से साइड में कर देता हूँ। अब इसको क्या करना है, इसके बीच हमने एक लाइन लेनी है इस पॉइंट से, ये जो इसका पॉइंट है इस पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक। तो वो कैसे फ्री हैंड टूल से लेंगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये जो यहाँ पे नोड बन रहा है, फिर से आप देखें नोड बन रहा है यहाँ पे, इस नोड से मैं यहाँ पे इसके मिड पॉइंट यानी सेंटर तक एक लाइन ले लेता हूँ। अब इसका सेंटर ढूंढना बहुत आसान हो गया कि इसका सेंटर ये वाला पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट पे मैं ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो एज वाली लाइन है, इस एज वाली लाइन को मैं यहाँ से अगर लेके जाऊँ बहुत आसानी के साथ, इसको लेके यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे जब सेंटर बन रहा है तो यहाँ पे मैं जाके इसकी कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी की तो कुछ ये सीन बना। अब यही वाली कॉपी एक और मैं आगे लेके इसके नोड पे रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जब हमारे पास सेंटर बन रहा है, आप लोगों को पता है कि सेंटर जब बनता है उसके बाद हम यहाँ से कॉपी करके लेके जाते हैं, तो हमारे पास ये कॉपी बनी है कहाँ पे, जाके इसके नोड पॉइंट पे। ये चीज हमारे सामने डिजाइन हो जाती है। जब ये चीज हमारे सामने डिजाइन होती है उसके बाद ये जो सेंटर वाली लाइन हमने ली थी, ये सेंटर वाली लाइन हमने क्यों ली थी कि हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल सकें और लास्ट वाला नोड निकाल सकें, तो हमने इसको डिलीट कर देना है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये स्टार देखें तो ये बना है स्टार और साथ ये तीन लाइनें लगी हुई है। अब हमने क्या करना है कि ये जो तीन लाइनें लगी है ना, ये तीन लाइनें हमने ऐसे सिलेक्ट करनी है, तीनों लाइनों को हमने सेलेक्ट करना है, तीनों लाइनों को आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जी कर देना है। अभी देखें तो ये तीन लाइन अगर ठीक सेलेक्ट हो गई हैं, ये देख लें। अब इन तीन लाइन जो हमने सेलेक्ट की हैं, इनका हमने ये करना है कि इनका सेंटर पॉइंट निकालना है, ये सेंटर पॉइंट होता है इसका, और इसके सेंटर पॉइंट को हम स्टार के सेंटर पॉइंट में लेके आ जाएंगे। स्टार के सेंटर पॉइंट में लेके आगे, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अगर जाके देखें तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप आर्ट के साथ एफ8 का बटन प्रेस करते हैं तो तब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है ये रोटेट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाके आपने ये करना है।